जी हाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा सरकार की है बड़ी घोषणा, बीपीएल कार्ड धारकों को दिया है तोहफा। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या है बड़ी खबर, क्या है बिग अपडेट। तो हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, देख सकते हैं कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने यहाँ पर कहा है कि 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देंगे। अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी भी प्राकृतिक मृत्यु होती है या कोविड के माध्यम से होती है तो यहाँ पर आपको 2 लाख मिलेंगे। मिलेंगे कैसे आपको? यहाँ पर आपकी जो पात्रता है, बीपीएल परिवार में आपका नाम शामिल होना चाहिए, आयु होनी चाहिए 18 से 50 वर्ष के बीच में, जो आय है आपकी 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो आपको इस 2 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है। और इसके साथ ही आपको अगर प्राकृतिक आपकी मौत के लिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले परिवार समृद्धि योजना के तहत आपको 15 मई से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही बैंक में जाकर के आपको 25 मई तक आपको बैंक में ये फॉर्म भरना है, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो कि 330 रुपये प्रति व्यक्ति आपके कटेंगे, उसके बाद सरकार 330 रुपये फिल करेगी। तो इसके बाद ये आप भर देंगे, इसके बाद आपको ये 2 लाख रुपए का यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो आप सीएससी स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से आप आवेदन 15 मई से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और वहीं और भी जो घोषणा है आपको बता दें, 1 मार्च 2021 से 31 मई तक आपके अगर कोविड से किसी की मौत होती है तो सरकार 2 लाख रुपये का यहाँ पर भुगतान करेगी। तो जैसा कि यहाँ पर भी जो पात्रता दी हुई है, बीपीएल में नाम, उम्र होनी चाहिए 18 से 50 वर्ष, जो इनकम होनी चाहिए, वार्षिक इनकम है 1,80,000 रुपये, तो आपको ये 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।